Dear friends, in this video I'm teaching you a very important thing that you should know if you're learning English, because until unless you know about the types of sentence that exist, you can never know the language exactly. मुझसे कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर ये न्यूज़पेपर की लैंग्वेज जो है समझ में नहीं आती है ना, और बुकिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, ये क्या लैंग्वेज होती है, ये कौन सी इंग्लिश होती है? बोले कोई बाहर की इंग्लिश होती है, कोई स्पेशल इंग्लिश होती है जो हम कोचिंग में सीखते हैं, उस इंग्लिश से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। भैया बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअल में जो सेंटेंसेस हम लोग सीखते हैं वो इजी होते हैं, राइट? आप जिन सेंटेंसेस को बनाते हैं वो सेंटेंसेस आपके इजी होते हैं। लाइक आप जब बोलते हैं आई गो, आई कम, आई स्पीक, आई राइट, तो ये आपके होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, राइट? बट जो आप न्यूज़पेपर की लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं, एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके मीनिंग को नहीं समझ पाते हैं, और आपको लगता है कि यार कहीं मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग, या फिर इंग्लिश हमारे बस की बात नहीं है, या फिर इंग्लिश तो काफ़ी टफ है। तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। मैं आज आपको सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से क्लियर करूंगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मेरे पीछे आप सेंटेंस के 3 टाइप्स हैं। पहला सिंपल, सेकेंड है कंपाउंड, एंड थर्ड है कॉम्प्लेक्स। तो आपके सेंटेंसेस 3 प्रकार के हो गए। पहला सिंपल सेंटेंस जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। अब ये साधारण वाक्य क्या होता है? इस साधारण वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सिंपल सेंटेंस जिसमें जैसे आपने किसी से कहा आई नो यू, सो हियर द आई इज एक्चुअली सब्जेक्ट एंड नो यू इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स जो कि अपने साथ, जो कि वर्ब हो और वर्ब अपने साथ जो ऑब्जेक्ट को कैरी करती है, इस एरिया को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये एक ऐसा सिंपल सेंटेंस है, आई नो यू, दैट्स ऑल, इट्स अ सिंपल सेंटेंस। इसके अंदर सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। लेकिन नीचे जो सेकंड नंबर पर दिया दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड सेंटेंस, इन हिंदी इट्स कॉल्ड मिश्रित वाक्य, राइट? अब ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मेन, इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉजेस। भैया मैंने यहाँ ऑब्लिक लगाया, इसका मतलब ये कि वो मेन भी आप लोग बोलते हैं इसे, कुछ लोग इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, तो कुछ लोग इसे प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या चीज़ है ना? तो भैया इसके अंदर आपको दो से ज़्यादा या मे बी 3 या 4 सेंटेंस ऐसे दिखेंगे जो सभी के सभी डिपेंडेंट होंगे। आई रिपीट दिस सेंटेंस, सॉरी, सभी के सभी इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब ये सेंटेंस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, राइट? इसका एग्जाम्पल मैं आगे आपको बताऊँगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये क्या नई चीज़ है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप देखें, द वन, द मैन एंड द रेस्ट आर डिपेंडेंट सबोर्डिनेट, मतलब इसमें एक मेन क्लॉज मिलेगी आपको, राइट? एक तो आपको मेन क्लॉज मिलेगी, और जो बाकी की जो रेस्ट आर डिपेंडेंट एंड सबोर्डिनेट क्लॉज, और जो बची हुई क्लॉजेस होंगी वो आपकी डिपेंडेंट होगी और सबोर्डिनेट होगी। डिपेंडेंट और सबोर्डिनेट मतलब ऐसी क्लॉज जो दूसरों के ऊपर निर्भर करती हो। मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। देखिएगा आप, सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने कहा शी हेल्प्स ऑल, एक लड़की है वो सभी की मदद करती है, सिंपल सा सेंटेंस, शी हेल्प्स ऑल, राइट? That's why it's a simple sentence. But अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कंपाउंड सेंटेंस, मिश्रित सेंटेंस का। तो मिश्रित सेंटेंस के सेंटेंस में देखो आपको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, प्रिंसिपल क्लॉजेस को ऐड करना। तो मैंने कहा शी कम्स हियर एंड स्टडीज। यू कैन सी हियर आर द 2 सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन इज शी कम्स हियर और दूसरा है शी स्टडीज, जिसको हमने जोड़ा एंड से, एंड इज वर्किंग एज अ कंजक्शन। याद रखिए आपका कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो आपका कंजक्शन से जुड़ता है, राइट? तो यहाँ पर ये जो एंड है आपका, ये एज अ वर्किंग एज अ कंजक्शन जो 2 सिचुएशन को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर देखो मैं आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा शी वेंट देयर, शी मेट हिम, शी explain that topic and she returned at 4 o'clock. Now you can see here are the 4 activities, 4 individual sentences, 4 independent क्लॉजेस, 4 इंडिपेंडेंट सेंटेंस। यू कैन सी अब इन 4 सेंटेंसेस को अगर मैं जोड़कर एक सेंटेंस में बना दूंगा तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। देखिए मैं आपको बनाता हूं। अब इसमें सीख सब में कॉमन है तो हम शी को हटा देंगे, एक ही बार शी लिखेंगे, शी वेंट देयर कॉमा मेट हिम कॉमा एक्सप्लेन दैट टॉपिक कॉमा रिटर्न एट 4 o'clock, रिटर्न एट 4 o'clock। दिसस। यू कैन सी आपका सेंटेंस इस तरीके का बन गया है वो। तो इसमें ये जो सब्जेक्ट शी है ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है और इस पर्टिकुलर, तो ये चारों सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका एक ही है। सो फ्रेंड्स दिस इज द कंपाउंड सेंटेंस। ओके, अब इसके बाद लास्ट में आपको दिया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं जटिल वाक्य। अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाकई में कॉम्प्लिकेटिव होते हैं, इनका नाम जैसे हिंदी में आपने देखा जटिल, तो ये थोड़े से जटिल होते भी हैं। लेट्स सी दीज जटिल सेंटेंसेस। ओके, सो हियर आई एम राइटिंग द जटिल सेंटेंसेस, यू कैन सी। ओके, सो हियर आई एम राइटिंग द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने कहा द सिटी is very large in which I live. Here you can see the city is very large in which I live. Okay, so here the city is very large, friends. This is the dependent clause, या आपकी भाषा में कहे this is, sorry, this is the independent clause, main clause और principal clause। अगर आपकी भाषा में कहे तो ये आपकी सेंटेंस का मुख्य वाक्य है, ठीक है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन in which I live, फ्रेंड्स दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज। यू कैन सी प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो द सिटी इज वेरी लार्ज इन विच आई लिव, राइट। तो ये जो सेंटेंस है आपका, दिस इज द एक्चुअली द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, मोर एग्जाम्पल्स वी हैव। मैंने कहा द बॉय। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। अभी आप और एग्जाम्पल्स देखिए। द बॉय इज माई फ्रेंड हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। यू कैन सी ओवर हियर द बॉय इज माई फ्रेंड, वो लड़का मेरा दोस्त है, हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, जिसने कल आपकी हेल्प करी। सो ये जो सेंटेंस है आपका, द बॉय इज माई फ्रेंड, इट्स अ डिपेंडेंट, इट्स अ इंडिपेंडेंट, एंड हु हेल्प्ड मी, इट्स अ डिपेंडेंट सेंटेंस। तो ये होगी आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये होगी आपकी प्रिंसिपल क्लॉज, राइट। तो ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में इसी तरीके के सेंटेंसेस हमको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं, एंड वी आर कन्फ्यूज्ड। So I insist to all of you that when you read the newspaper, you should know कि वो sentence का connection किस तरीके से कौन सा subject से हो रहा है। अब मैं आपको कुछ examples यहाँ पर दे रहा हूँ, 8-10 examples दे रहा हूँ, और उन examples में से आपको ये पहचानना है कि कौन सा sentence simple है, कौन सा sentence compound और कौन सा sentence complex है। इससे आपकी थोड़ी practice हो जाएगी। और आपको comment box में बताना भी मुझे कि sentence first जो complex है, second complex है कि वो compound है कि simple है, right? So friends, let's सीधे एक्सरसाइज। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कुछ एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको सेंटेंसेस दिए। यू कैन सी ऑल दिस सेंटेंसेस। सबसे पहला सेंटेंस है शी केम हियर बिकॉज शी वाज इनवाइटेड। आपको देखना है कि ये सेंटेंस जो है आपका सिंपल है, कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। तीनों के लिए जो जो इंडिविजुअल सिचुएशंस है वो मैंने आपको बता चुका हूँ। सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर एक सिंपल सा आपका जो है एक वर्ब होगी और सिंपल सा एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। कंपाउंड सेंटेंस जिसके अंदर आपको दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल सेंटेंसेस कंपाउंड होके मिलेंगे कंजक्शन से जुड़कर। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब जिसके अंदर एक प्रिंसिपल सेंटेंस तो होगा ही, और उसके साथ में जो अदर सेंटेंसेस होंगे वो आपके सबऑर्डिनेट, मतलब ऐसे सेंटेंस जो मेन क्लॉज नहीं होंगी, डिपेंडेंट क्लॉज होंगी, उसके सेंटेंसेस होंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने 10 सेंटेंस दिए हैं, तो आपको सबसे पहला सेंटेंस आपको बता रहा हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सेंटेंस मैं आपको चलो ठीक है बताता हूँ। उसके बाद के बाकी आप सभी आपको करना और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स लिख के बताना। सबसे पहला हम लिखते हैं शी केम हियर बिकॉज शी वॉज इन्वाइटेड। अब इसमें मुझे आपको बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ आप देखेंगे क्या लिखा है आपको, बिकॉज दिया है। बिकॉज जो कि एडवर्ब रीजन का काम करता है, मतलब एक एडवर्ब क्लॉज में एडवर्ब रीजन का काम करता है। बिकॉज शी वॉज इन्वाइटेड, मतलब ये जो है इतना सेंटेंस है डिपेंड है किसके ऊपर, शी केम हियर पर। मतलब ये आपका डिपेंडेंट है, ये आपका इंडिपेंडेंट है और ये आपका डिपेंडेंट है। इट मीन्स ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में डिपेंडेंट क्लॉज जुड़ गई, मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, राइट। अब दूसरा देखेंगे आप, लिसन केयरफुली एंड डू दिस वर्क। अब अगर ध्यान से देखें तो लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, डू दिस वर्क, ये काम को करो, दोनों इंडिविजुअल अलग अलग सेंटेंस है जिनको जोड़ा है हमने किससे? एंड से, राइट। तो फ्रेंड्स ये आपका एंड से जुड़ा है, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस है, दोनों इंपेरेटिव सेंटेंसेज हैं जो एंड से जुड़े हैं, ये दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस, दैट्स व्हाई दिस इज द कंपाउंड सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे, आई डू नॉट लिसन टू स्पीक, आई डोंट लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश विथ माई फ्रेंड्स। आप देखेंगे दो बाबा, ये का ये लाइक और दूसरी है ये स्पीक, ओके। बट फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो सेंटेंस है आपका कोई डिपेंडेंट कोई किसी प्रकार से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक सिंपल सेंटेंस है। आपको दिखने में थोड़ा बड़ा जरूर लगेगा वो सेंटेंस, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ काइंड ऑफ यू वुड से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट्स सिंपल सेंटेंस। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना विथ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ में, राइट। इसको मैं हमने यहाँ पर एक प्रिपोशन लगाई है इन, और दूसरी प्रिपोशन लगाई है विथ, और दूसरा तीसरा यहाँ पर टू इन्फिनेटिव लगाया है। इस कारण ये सेंटेंस काफ़ी लेंदी हो गया है। तो आप याद रखिए जब भी आपका सेंटेंस लेंदी बनता है तो या तो उसके अंदर प्रिपोशन लगी मिलेगी आपको, या फिर उसके अंदर कंजक्शन लगी मिलेगी, या फिर उसके अंदर आपको इस तरीके से टू इन्फिनेटिव लगा मिलेगा, और इन सब के कारण सेंटेंस जो है लेंदी हो जाता है आपका। आगे देखेंगे आप, नेक्स्ट है आपका टेल मी व्हाट यू नो, बताओ मुझे जो आप जानते हो। तो यहाँ पर व्हाट यू नो फ्रेंड्स ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब ये प्रिंसिपल है और ये इसके ऊपर डिपेंड है, मतलब कि आप देख सकते हैं कि ये भी क्या हो जाएगा फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। तो ये 5, 4 तो मैंने आपको समझा दिया आपको कैसे करना है, ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10 फ्रेंड्स ये आपको रेट करना है बहुत ही केयरफुली, और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो सेंटेंसेस है बाकी के रिमेनिंग ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हो फ्रेंड्स ये वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी सेंटेंसेस को पहचानने में। अच्छा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट आप ये सोच रहे होंगे कि सेंटेंस तो 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंटरगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो ये क्या है भैया? वो आपके सिंपल सेंटेंस के टाइप्स हैं, राइट। आपके जो सिंपल सेंटेंस होता है वो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका असर्टिव, दूसरा होता है आपका इंपेरेटिव, इंटरगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो ये सब टाइप्स जो आपके सिंपल सेंटेंस के, लेकिन ये जो है सेंटेंसेस के मेन टाइप एक्चुअल में 3 होते हैं, जिसमें पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड, और चौथा होता है तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स। हो फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, मैं इसी तरीके से वीडियो और भी अपलोड करता रहूँगा। कीप वॉचिंग माई वीडियो, कीप इट लाइकिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।